जानते हो या ना जानते हो, पर कृषि उत्पाद को MSP पर खरीदने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। एक लंबी प्रक्रिया का मतलब कि कृषि उत्पाद को गुणवत्ता पर खरा उतरना पड़ता है, कई मानकों से गुजरना पड़ता है, तब जाके किसान की फसल को MSP पर खरीदा जाता है, जो सरकार द्वारा खरीद होती है। तो सोचिए, अगर किसी वर्ष किसान की फसल बर्बाद हो जाए या उस पर कुदरत का कहर टूट पड़े, तो उस किसान का क्या होगा, उस फसल का क्या होगा? क्या किसान बर्बाद हो जाएगा? सवाल सोचने पर मजबूर करता है, गंभीर भी है। तो आप सोचिए, थोड़ा टाइम लगाइए, पर सोचिए, क्या इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था है जो किसानों को बर्बाद होने से बचा सके? सोच लिया तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सवाल बहुत गंभीर है, किसानों से जुड़ा हुआ है, तो आक्रोश में भी आएगा। तो आप इस सवाल को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम आज इसका समाधान देने वाले हैं। इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये सुझाव हमारा नहीं है, नवयुवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत कात्यायन का है। नवयुवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत कात्यायन से हम कल कुछ मुद्दों पर बात कर रहे थे, कृषि कानूनों पर बात कर रहे थे, कृषि विषय पर बात कर रहे थे, और उसी विषय में से एक मुद्दा निकल कर सामने आया, MSP। उनका कहना है कि MSP के 3 प्रकार होने चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल हम नवयुवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत कात्यायन के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। काफी मुद्दों पर हमने उनसे बात की, और कुछ मुद्दों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, और इसी मुद्दे में एक विषय था MSP। उनका तर्क था कि MSP के 3 प्रकार होने चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल के लिए अलग MSP, उससे निचले स्तर की फसल के लिए एक अलग MSP, और न्यूनतम स्तर की फसल के लिए एक अलग MSP। अगर ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से लागू की जाए तो शायद भारत देश में कृषि का रूप सुधर जाए। उनका कहना था कि 3 प्रकार की MSP होनी चाहिए, उन किसानों के लिए MSP संजीवनी साबित होगी जिनकी किसी कारणवश फसल बर्बाद हो जाती है या खराब हो जाती है, और सरकार मुआवजा देने में समर्थ ना हो, तो इस स्थिति में किसान की मेहनत बर्बाद नहीं होगी और सरकार की नीतियों में उसका विश्वास बढ़ेगा। MSP में बदलाव कर सकता है किसान को आबाद,